दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे MI 4S सीरीज के बारे में जो लॉन्च हो गई चाइना में। तो कौन से वेरिएंट में लॉन्च किया है, क्या है स्पेसिफिकेशन, क्या है प्राइसिंग, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाना शुरू। बात करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें MI के 4S सीरीज के बारे में, तो यहाँ पे अगर वेरिएंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे उन्होंने एक ही वेरिएंट लॉन्च किया है जो वेरिएंट है 65 इंच का। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज लगी पर्सनली मुझे इस टीवी में कि यहाँ पे आपको मेटल बॉडी देखने मिलेगी, एल्यूमिनियम की फिनिशिंग दी गई है। हालांकि जो बैक पैनल है जो पीछे के टीवी के पीछे साइड वाला होता है वो आपको प्लास्टिक का देखने मिलेगा, लेकिन जो साइड के जो बीजल है वो आपको एल्यूमिनियम के देखने मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी और सबसे मेजर हाईलाइट इसी टीवी के है। इसी के साथ साथ जो दूसरी मेजर हाईलाइट है इस टीवी की, यहाँ पे इसकी प्राइसिंग रखी गई 546 यूरो, मतलब अगर मैं उसको कन्वर्ट करूं इंडियन रुपीस में तो उसकी प्राइसिंग होती है लगभग 46,000 के आसपास। और इसकी जो सेल स्टार्ट होने वाले वो स्टार्ट होने वाले जून 2020 से यूरोपियन मार्केट के। इंडियन मार्केट में कब आएगा कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे अगर ये 65 इंच का टीवी 46,000 रुपीस में मिल गया तो समझ लो एक बहुत बड़ा धमाका है टीवी के इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे आपको इतनी बड़ी टीवी ये प्राइस में कोई भी नहीं देता। और अब बात करें यहाँ पे टीवी के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट और 3 USB पोर्ट दिए गए। इसी के साथ ही साथ आपको एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिल जाएगा। बात करें इंटरनल स्टोरेज और रैम के बारे में, तो यहाँ पे आपको 2GB का रैम और 16GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया। तो यहाँ पे आपको काफी गेम्स और एप्स डाउनलोड कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी, तो काफी मजा आने वाला है इसी टीवी में। और जब मैं बात करूँ गेम की, तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको इस टीवी में MEMC का सपोर्ट दिया गया। MEMC चिप के सपोर्ट के थ्रू आपको बोलते हैं ना गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतर बना देगा, बहुत ही शानदार बना देगा। तो ये टीवी में सब कुछ आपको मिलने वाला है। और इसी के साथ ही साथ बात करें यहाँ पे साउंड आउटपुट के बारे में, तो यहाँ पे आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा, 10-10 वॉट के दो अलग अलग बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने मिलेंगे इसी टीवी में। और बात करें यहाँ पे ऑडियो टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पे आपको MI प्रोवाइड कर रहा है और डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट। और इसी के साथ साथ बात करें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में जो होता है टीवी का पैनल, तो यहाँ पे लगाया गया IPS का पैनल। इसी के साथ ही साथ आपको HDR10 का सपोर्ट मिल जाएगा, 4K का रेजोल्यूशन देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। और जो यहाँ पे कलर गैमेट का जो परसेंटेज है NTSC का वो 85% दिया गया है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा सबसे डिमांडिंग चीज जो टीवी में होती है ब्लूटूथ, तो यहाँ पे आपको टीवी में ब्लूटूथ भी देखने मिल जाएगा। इसी के साथ जो वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे डुअल बैंड वाईफाई दिया गया है। और बात करें कंटेंट शेयरिंग के लिए, तो आपको क्रोमकास्ट का सपोर्ट भी इसी टीवी में देखने मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ बात करें यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में, तो कंटेंट प्रोवाइडर आपको अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यूट्यूब सब कुछ देखने मिल जाएगा। इसी के साथ डेडिकेटेड कीज भी अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स से दिए गए। रिमोट में गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट दिया गया है। और यहाँ पे जो रिमोट दिया गया वो मिनिमलिस्टिक नहीं दिया गया, लिमिटेड बटन, यहाँ पे बटन थोड़े से बढ़ा के दिए गए और रिमोट का साइज भी काफी बढ़ गया है। तो ये टीवी में सब कुछ आपको देखने मिलने वाला है। तो दोस्तों यही थे सारी स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और इसके वेरिएंट। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इसकी जो प्राइसिंग रखी है बहुत ही धमाकेदार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस है। मतलब ये प्राइस पे मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूंगा, अगर इंडिया में 46,000 रुपीस में 65 इंच वाली टीवी लॉन्च होती है तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हो। और अगर मुझे इसकी बाइंग लिंक मिलती है तो इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। बाकी आपका क्या मानना है इस टीवी के बारे में मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव, आपकी कोई भी राय हो तो शर्माइए मत, जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ साथ ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, जरूर लाइक कीजिए। इसी के साथ वीडियो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी गाइड, बाय बाय।